और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बात नीति आयोग की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के संचालन समिति की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक के पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने पर चर्चा हुई है। इस बैठक में किसानों की आय को दोगुना करने का मुद्दा भी छाया रहा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के विकास कार्य और साथ ही साथ भविष्य की नीतियों को जमकर सराहा है। दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में प्रदेश में अब तक हुए विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं का लेखा जोखा बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखा, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ भी की। बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने पर भी सार्थक चर्चा हुई। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की कुछ विशेषताएं, कुछ जो केंद्र की अपेक्षा होती है अनुसार, जो नीति आयोग ने पिछली मीटिंग में जो कुछ बताया होता है उस अनुसार एक एजेंडा होता है, उसके हिसाब से बताया जाता है। जैसे आज के एजेंडे में हमारे किसान की आय दुगनी कैसी हो, तो इस प्रकार से जो केंद्र के बिंदु हैं वो हमने बताए थे। साथ में ये बताया कि हमने एक किसान कल्याण प्राधिकरण, हमारा एक स्टेप ऐसा है कि जिसमें किसानों की हर बात को विचार किया जाएगा, ये हमने वहाँ पर बताया। इसके अलावा इस बैठक में हरियाणा के नूह जिले के विकास पर भी खास चर्चा हुई है। इसी प्रकार से एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है 115 डिस्ट्रिक्ट, उसमें हम कैसे काम कर रहे हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट हमारा नूह डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर शामिल है। नूह के अंदर हर प्रकार की जो वहाँ की कठिनाइयाँ हैं, जो पैरामीटर्स पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं वो भी हमने बताए हैं। खास करके शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और पानी की विशेष तौर के ऊपर जो कठिनाई वहाँ की है, क्योंकि अभी तक वो आगरा कैनाल से पानी जाता है वो गंदा पानी वहाँ जाता है और दिल्ली से जो निकल करके पानी की सप्लाई होती है, तो हमने केंद्र सरकार ने आग्रह किया है कि उस पानी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार अथवा अन्य जितने भी संबंधित प्रांत हैं उनको सबको जोड़ करके और उसका पानी, यमुना का पानी साफ किया जाए, ताकि यमुना के पानी को जिस भी ढंग से उपयोग करते हैं उसी में से आगरा कैनाल निकलती है, उस उपयोग को साफ पानी के द्वारा कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को कैरोसिन मुक्त बनाने और उज्ज्वला योजना को सार्थक रूप से लागू करने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। कैरोसिन फ्री का जो हमारा सबसे पहला प्रदेश हरियाणा बना, उस नाते से भी उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया कि हरियाणा ने कैरोसिन फ्री किया है और उसी में से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने की जो बात है उसमें हरियाणा अग्रणी है और उसमें जो बचे हुए कुछ परिवार हैं अभी भी बहुत मुश्किल से किसी भी सभा में उनको 5 से 10 परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि हर एक परिवार में जो गैस सिलेंडर है वो पहुँचेगा और उस नाते से इस लक्ष्य को हमको। गांधी जी की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाने और पलवल और घासेड़ा रेलवे स्टेशन को नेशनल हेरिटेज घोषित करने की मांग भी इस बैठक में उठी। और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का ये जो अगला वर्ष आ रहा है उसमें कुछ कार्यक्रमों के बारे में सुझाव पूछे गए हैं। उन्होंने यहाँ बताया है कि जो पहली गिरफ्तारी उनकी हुई 1919 के अंदर वो पलवल स्टेशन के ऊपर हुई है और इसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद जब वो घासेड़ा में जाकर के उन्होंने मेवों को ये आह्वान किया कि मेवों को पाकिस्तान में जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, जिसके कारण से मेव यहीं पर रहे। तो इस प्रकार के ये दोनों स्थानों के ऊपर कोई उनकी याद के अंदर और कोई स्मारक बनने चाहिए, तो इस प्रकार का उनको इन स्थानों को क्या घोषित करें, स्टैच्यू ऑफ हार्मनी, नेशनल हेरिटेज इनको जो है घोषित करना चाहिए। हालांकि पानी के मसले पर इस बैठक में कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर आने वाले समय में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाएगा। पानी के विषय में हमारी अलग से नितिन गडकरी जी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जो संबंधित राज्य हैं उसमें पंजाब है और राजस्थान है, उनके मुख्यमंत्रियों को बुला करके मीटिंग वो हमारी कराएंगे और उसमें जो इस प्रकार के जो विषय हैं उनको सुलझाने का प्रयास। बहरहाल प्रदेश में हुए विकास और भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि बाकी बची योजनाओं पर भी अब काफी तेजी के साथ काम शुरू होगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।